नमस्कार, रसोई के चमत्कार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है पाचक व स्वादिष्ट आमले से बना चाट मसाला कम चूर्ण। आमले का मौसम है तो इसका फायदा उठा लेना चाहिए। मैंने पहले कई रेसिपीज आमले की अपलोड की हैं, उन्हीं में से एक रेसिपी थी नींबू आमला और हरी मिर्च का अचार, वो सूखा अचार था। यह आज की रेसिपी उसी पर बेस्ड है। आज आपको पूरा वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। चलो रेसिपी शुरू करते हैं। यह आमले मैंने लिए हैं, इन्हें एक पैन में पानी डालकर उबालकर इन्हें स्टीम कर लेंगे। ये शॉर्ट्स आप देख सकते हैं। आमले इतने गुणकारी हैं कि मैंने बहुत ही अचंभित करने वाले रिजल्ट इसके महसूस किए हैं। स्टीम करने के बाद मैंने इनकी फांके बनाकर रख ली हैं। अब इन फांकों को हम धूप में 2-3 दिन सुखा लेंगे। धूप लगाने के बाद अब इनमें मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले डालेंगे नमक, ये सादा नमक है, सूखी हरी मिर्च, ये काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, दरदरी पिसी सौंफ, धनिया पाउडर, भुना जीरा, ये थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालेंगे, लौंग है आधा छोटा चम्मच, एक तेज पत्ता और ये एक कटोरी में सूखा आमले का अचार जिसकी मैंने आपको रेसिपी पहले बनाकर दिखाई है हमने ले लिया है, वह भी हम इसमें ही डालेंगे ताकि इसमें खटास आ जाए। अब इन सब को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। यह हमने सब पीस लिया है, यह एक पेस्ट सी बन गई है जिसको हमें थोड़ा सा सुखाने में आसानी होगी। साबुत टुकड़े सूखने में टाइम लेते हैं। अब हम इन्हें बड़ी प्लेट में डालकर धूप में सुखाएंगे, सुखाने में आसानी होगी। ये चाट मसाला का मटेरियल अब सूख गया है, अब इसे ग्राइंडर में डालकर महीन पीस लेते हैं। धूप ना निकलने पर खाना बनाने के बाद जब तवा गर्म होता है रोटी सेकने के बाद, आप एक बर्तन, इस बर्तन को आप उसके ऊपर रख सकते हैं ताकि नीचे से उसकी गर्माहट उसको मिलती रहे और ये जो हमने बनाया है ये पेस्ट जल्दी सूख जाए। मैंने बीच बीच में ऐसा भी किया है। ये सब तो पिस चुका है, अब इसे कंटेनर में हम निकाल कर स्टोर कर लेंगे। आप इस चाट मसाले को फ्रूट चाट, सलाद आदि किसी पर भी डालकर यूज कर सकते हैं। यह इतना गुणकारी मसाला है कि खाने को पचाने में भी मदद करता है। एक बार आपने इसे बनाकर यूज कर लिया तो बार बार इसे बनाएंगे। बाजार से ऐसा कोई मसाला आपको नहीं मिलेगा। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। रेसिपी पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। वॉच करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।